प्रयागराज में स्थित काली घाटी अंकित भाई को सपोर्ट करते और खुद भी दर्शन करते हैं। चलिए एक बार चलते इस रास्ते पे। ठीक जैसे बाढ़ आया ना तो जब बाढ़ आया देखिए यहाँ साइड से चलते चल 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 आइया। हम लोग थोड़ा आउटर एरिया में आ गए थे मंदिर से, तो इधर देख सकते रेलवे ट्रैक। चलिए अब चलते मंदिर की तरफ। चलिए चलते अब आगे दूसरा मंदिर। मंदिर की शुरुआत में ही आपको ये बजरंगबली का मंदिर पड़ता है। अब चलिए बढ़ते हैं लकड़ी वाला पुलवा की तरफ। यहाँ एक घूमने वाला ये पुलवा है जिसके ऊपर से भैया दीदी लोग जा रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो इस समय हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज में स्थित काली घाटी। यहाँ के काली घाटी में पता नहीं क्या बात है, बट बाहर से देखने में हमको लग रहा है थोड़ा कुछ तो इसमें अद्भुत ऐसा होगा जो कि लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। तो यहाँ मेरे पीछे एक देख सकते हैं शुरुआत में एक लकड़ी का ये पुल है, हमारे तरफ बहुत है लेकिन प्रयागराज में पहली बार देखे ये लकड़ी का पुल। तो पहले चलिए चलते हैं मंदिर जो कि मेरे पीछे है, मंदिर चलते उसके बाद आते हैं फिर इधर पुलवा पर भी विजिट करेंगे। चलिए दोस्तों ये मंदिर वैसे प्राचीन तो नहीं है लेकिन हाँ कि काली घाटी के जो नाम है यहाँ प्रयागराज में वो काफी ज्यादा मशहूर है। तो यहाँ मंदिर वैसे बड़ा नहीं है तो यहाँ लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोग आते घूमने के लिए, काफी ज्यादा शांत जगह है। बस मेरे पीछे थोड़ा भजन बज रहा है क्योंकि ये मंदिर है और ये रास्ता पता नहीं किधर जाता है, हर रास्ता एक नया जगह लेके जा रहा है। चलिए एक बार चलते इस रास्ते पे। इधर हमारे पीछे कुछ है नहीं, बस जंगल है इधर। और इधर क्योंकि एक और पहले लकड़ी का पुल हुआ करता था तो वो टूट गया क्योंकि इधर जब बाढ़ आया था तो वही बाढ़ उस लकड़ी के पुल को बहा के लेके चला गया। तो चलिए और चलते हैं ऊपर, इसी रास्ता से आए थे इसी रास्ता से फिर चलते हैं ऊपर और देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है हम लोगों को। आगे तो मंदिर खत्म हो गया, आगे चढ़ाई दे भाई एक्सेलेरेटर दे एकदम खींचे भैया। वो रास्ता से निकलने के बाद हम लोग थोड़ा आउटर एरिया में आ गए थे मंदिर से, तो इधर देख सकते रेलवे ट्रैक है और इधर जो अभी गड्ढा आप लोग को दिखाएं तो इसी में बाढ़ के समय बहुत ज्यादा भयंकर पानी सब में भर जाता है। तो यहाँ का मिट्टी यहाँ देख सकते हैं इस टाइप का है, बाढ़वा में इधर आने लायक नहीं रहता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर साइड। चलिए अब चलते मंदिर की तरफ। भैया ये है शिव मंदिर, आगे है काली जी का मंदिर। कितना बजे खुलता है काली जी का मंदिर? नहीं पता, यहाँ का नहीं है क्या सब? कहाँ है घर? कहाँ है? गद्देपुर। अच्छा चल घूमने आया है। चल ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? राहुल। तुम्हारा? पवन। चलिए ठीक है, तो ये दोनों बच्चे नए हैं यहाँ ऐसे घूम रहे हैं। चलिए चलते अब आगे दूसरा मंदिर। भैया
लकड़ी वाला पुल जो रास्ता हम लोग जा रहे जिधर से आए थे उसी रास्ता में, ये देखिए मंदिर की शुरुआत में आपको ये बजरंगबली का मंदिर पड़ता है, ये रहा जो व्हाइट टेम्पल आप लोग देखे होंगे वो यही। अब चलिए बढ़ते हैं लकड़ी वाला पुलवा की तरफ। नीचे 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 वायर आया हुआ है। तो दोस्तों पूरा काली घाटी घूमने के बाद एक लास्ट कंक्लूजन यही पहुंचे हैं कि यहाँ एक घूमने वाला ये पुलवा है जिसके ऊपर से भैया दीदी लोग जा रहे हैं, और घूमने वाला एक काली मंदिर है जिसका अंदर का सीन हम आप लोगों को दिखा चुके हैं, और एक शिव जी का मंदिर है। बाकी यहाँ का जो व्यू है लोकेशन है काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा मतलब शांत लोकेशन है पूरा ये। तो और क्या ही है यहाँ घूमने वाला, बस इतना ही था। और मेरे पीछे एक नदी बह रही है जो कि बाढ़ में और भी भयंकर प्रचंड रूप ले लेती है, तो कभी अगर नहीं नहा धोवा के आए मेरे जैसा तो यहाँ जरूर नहा लीजिए और कुछ कुछ हरा हरा फफूंदी लेके चले जाएं, और छोटी गंगा ही इसको समझिए। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यही शानदार तरीके से ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल अंकित गुप्ता ब्लॉग्स 398 को सब्सक्राइब कीजिएगा, ब्लॉग को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय माँ काली।